आज हम फिर एक बार वही बात करेंगे जो हम आप जानते हैं, सिर्फ उसे समझना है। तो ये समझना जो है उसको आज एक टॉपिक से लेकर समझेंगे, लेकिन समझ को दो तरीके से समझेंगे, तो देखते हैं क्या। तो टॉपिक का नाम है वेट लूज। अब वेट लूज में हम क्या समझना है, जैसे मैंने बोला दो चीजें समझेंगे, तो क्या समझना है हमें। तो हमें आज ये बिल्कुल नहीं टारगेट करना है इस टॉपिक में कि वेट लूज कैसे करना है, क्योंकि मेरा मानना ये है कैसे करना है इसकी वैरायटीज है, लिस्ट है। आप एक्सरसाइज करके लूज कर सकते हो, प्राणायाम करके कर सकते हो, बेसिकली योगा, जॉगिंग एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, इवन डाइट इफ प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो, और मील से कंट्रोल कर सकते, तो बहुत सारे तरीके, इनफैक्ट वेराइटीज ऑफ लिस्ट हैं जिसमें करने के तरीके हैं, जिसमें आप बहुत सारे तरीके जानते होंगे। शायद आपको लगता होगा कि आपके लिए ये तरीका अच्छा है, मेरे लिए ये तरीका अच्छा है, किसी के लिए कुछ और तरीका अच्छा है। सो आज फिलहाल यहाँ पे हम इस चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस इस चीज़ की नहीं है कि कैसे करना है लूज। आज हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि ये क्यों नहीं होता, क्या ऐसा कारण है क्यों नहीं होता। तो इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर, इस समझ को लेकर दो तरीके से समझेंगे, और उसमें क्या दो चीजें समझना जरूरी है आज के लिए वो हम बात करेंगे। जिस समझ के वजह से, जिसका नाम योगा है, जिससे आपको और समझ आएगा, क्योंकि समझ ही आपको वेराइटीज ऑफ सॉल्यूशन जो वेज हैं वो आपको दिखने लगते हैं। तो आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है, किसी के लिए और क्या बेटर है। क्योंकि मैं अगर बोलूंगा कि ये अच्छा है, तो हो सकता है आपके लिए ना अच्छा हो, आपको ना जम रहा हो, आप कर नहीं सकते, तो आपके लिए वो तरीका नहीं। तो सोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता एक तरीका, सोल्यूशन एनी हाउ मिले, कैसे भी ठीक हो, कैसे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, दैट इज सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन का संस्कृत में नाम योगा है, जिसको हम समझ के लेवल पे समझते जा रहे हैं। तो जैसे कहा वेट लूज, तो वेट लूज में ये होता है कि लूज कैसे करें ये समझ आ रहा है, लूज क्यों नहीं हो रहा है। अगर वो समझना है तो हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली ये है क्या, वेट लूज है क्या, ये कैसे होता है एग्जैक्टली, उस समझ की मैं जानना। जैसे जब मैं कहता हूँ कि हम आप जानते हैं सिर्फ समझना है, तो मैं उस समझ की बात कर रहा हूँ जो आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो, और वो कॉमन हो। देखो आज के इसमें, जैसे हम एक्चुअली इन यूजली थॉट्स में कहते हैं दिस इज कॉमन थिंग, अ कॉमन सेंस, बट प्रॉब्लम इज कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन अमोंग अस। तो कॉमन सेंस जो हम बोलते हैं, वो सेंस जो है, उसी का नाम योगा है। मैं ये हर लेवल पे यही बताने की कोशिश, उसी का, तो वो कॉमन अबाउट ऑल वेराइटीज ऑफ लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस में जो वेट लूज के लिए है, उसमें कुछ तो कॉमन होगा जो अगर समझ आ जाए तो हमें ये समझ आएगा ये लूज ऐसे होता है। लेकिन शायद ये भी रास्ता हो सकता है, और इसमें फिर हम ये बात नहीं करेंगे ये सही है वो सही है, बस ये बात करेंगे मेरे लिए ये सही है आपके लिए ये सही है। तो ये हमें समझना है। अभी आज जो मेन पर्पस है समझने का, ये समझना है हमें कि क्यों नहीं लूज होता है, इसको टारगेट करेंगे। इसको मैं इस तरह से टारगेट नेगेटिव वेज में क्यों टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं, किसी भी चीज को ले लो, अभी वेट लूज लिया हमने, किसी भी चीज का सॉल्यूशन बहुत होते हैं। हाँ, मेरा मानना ये है कि सॉल्यूशन को हम टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाए ये क्यों नहीं होता, अगर वो पकड़ आ जाए तो कहीं ना कहीं हमें समझ आ जाएगा। जैसे मैंने दो चीजें बोली है, तो नहीं को अगर पकड़ ले, नहीं को समझ ले, तो एक समझ ऐसी आ जाएगी, आपको एक ऐसी समझ आ जाएगी जो आपको पता है वेराइटीज, समझने में वेराइटीज ऑफ लिस्ट ऑफ सोल्यूशन है, जिसमें से आप इसको एक्सक्लूड करके समझ जाओगे कि इसमें से भी और उसमें भी एक ऐसी समझ जो आपको पता है कि कोई भी आप और मेरे और किसी के लिए चॉइसेस अलग होंगी। तो क्या नहीं करना, क्या चीज नहीं अगर टारगेट कर जाए तो हमारी श्योरिटी बढ़ जाती है। क्यों मैं श्योरिटी बढ़ जाती है बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि
सब चीज वेराइटीज ऑफ सॉल्यूशंस है, बट सब में चीज एक ही हो रही है, करने का तरीका अलग है, किसी किसी और को सूट हो, और हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ वेट लूज आपको इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आपकी जर्नी पार्ट पार्ट में हो, इस तरीके से इतना, इस तरीके से इतना, इस तरीके से इतना, या किसी का इतना परसेंटेज, इसमें 30, उसमें 90, किसी में 10, किसी में 60, एनी परसेंटेज, सो वो नहीं इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप कैसे भी उस चीज़ को कर लोगे, खाली इतना ध्यान है नहीं, और फिर कॉमन एक समझ आ जाए जो कॉमन है वेराइटीज और सोल्यूशन में। सो नहीं को समझते हैं। जब नहीं की बात करते हैं तो हमें ये समझना है, जैसे आप लोग, आपके दिमाग में कई बार आता होगा, जिनको वेट लूज करना होता है तो एक चीज आती है कि वेट लूज हमारा होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ लेकिन फिर भी लूज नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद। देखो, जिसको जो कर नहीं रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन कोई ट्राई कर रहा है, बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहा है, या दिन का रूटीन उसका ऐसा है कि हार्ड वर्किंग है, स्टिल दे कैरी अ वेट, बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर जाते हैं, या ओबेसिटी कह सकते हैं। वेट को अगर समझना है तो मैंने इसके बारे में बताया है, तो उसको आप समझ सकते हो डिटेल में, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं उस ओबेसिटी या विस वेट की, जिसको हम लूज करने पर टारगेट कर रहे हैं, जो नहीं होता है। So, ये क्यों नहीं होता है, जैसे जब हम इसको नहीं को समझने के लिए हम ये पहले एक लेते हैं, ये कैसे करते हैं, मोस्टली लोग टारगेट करते हैं एक्सरसाइज करके, इंटेंस वर्कआउट, मैक्सिमम हार्ड वर्कआउट करके लूज करने के, जिसको पावर योगा भी कई बार कहते हैं, जो शायद क्लियर नहीं है, तो फिलहाल आज का ये टॉपिक नहीं है। तो वो चीज कैसे समझें हम, तो फिजिकल वर्कआउट से करते हैं, जैसे यही मानना होता है कि जितना हम इंटेंस वर्कआउट करेंगे उतना अच्छे से लूज होगा, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना अच्छे से लूज होगा, बट बात ये नहीं है कि जिनका लूज हो जाता है, बात ये है कि इतना हार्ड वर्क, इंटेंस वर्कआउट करने के स्टिल लूज क्यों नहीं हो रहा, कहाँ वो गलत कर जा रहे हैं, या फिर क्या ऐसी चीज है जो वही समझ बैठे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो लूज कर रही है, ये नहीं है। बिकॉज इंटेंसिटी अगर होती तो डाइट में किस तरह की इंटेंसिटी है, डाइट तो कुछ अलग है लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है। कई बार कई सोच रहे हो इंटेंसिटी उसमें स्ट्रिक्ट तो होता है डाइट, नहीं मैं उसकी बात नहीं करूँ, कई बार ऐसे नॉर्मल डाइट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं होती, स्टिल वेट को मेंटेन किया जा सकता है, लूज किया जा सकता है। तो इस बात को समझो कि वो किस सेंस, किस अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग जो आपको डायरेक्टली मैं नहीं बता सकता, इसको हम बात कर करके कुछ एक रिवील होगा इस टॉक से, तो वो आपको यहाँ पे कैप्चर करना है, ना कि मेरी वर्डिंग्स को। सो जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कई बार जैसे कई हाउसवाइफ होती हैं, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कई बार मेड पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं बेसिकली, वो खुद के खुद ना ही वॉशिंग मशीन या ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते, वो कपड़े भी खुद धुलते हैं, घर के जितने भी सारे काम होते हैं बहुत सारे काम करते हैं, और कई बार तो कुछ फील्ड वर्क पे बहुत सारी ऐसी भी काम होती है जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनका भी ये कहना होता है। तो बस मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, ये हाउसवाइफ का ले रहा हूँ मैं, कि वो बहुत ज़्यादा करने के बावजूद, जो बैठते हैं घर में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा करने के बाद भी बल्कि वेट कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट होता है, ओबेसिटी होती है, तो वो क्यों नहीं लूज़ हो रही है इतना करने के बाद भी, कि अगर आप मानते हो इंटेंसिटी से लूज़ होती है तो इंटेंस वर्कआउट करने के बाद भी नहीं लूज़ होती। फिर उनको कई बार कुछ लोग सजेस्ट करते हैं ये कि आप कुछ एक्सरसाइज करो, और उनको एक रिकमेंड करते हैं कि 1 घंटे कर लो, तो आप खुद सोचिए, पहली बात तो मैं 24 घंटे योगा की बात करता हूँ, आप खुद सोचिए, चलो मान लेते हैं वो अलग है 1 घंटे, तो 1 घंटे में वो एक्सरसाइज करने से लूज हो जाएगा, और दिन भर वर्कआउट कर रहे वो नहीं होगा, तो क्यों ना हम इसको ऐसे समझ ले, और 24 घंटे में अगर वो कर रहे हैं, अगर वो भी योगा बन जाए, जो मेरा पर्पज़ है एक्चुअली बताने का, 24 घंटे अगर वो भी बन जाए तो वहीं भी लूज हो जाएगा, तो वो क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ। 24 घंटे में अगर समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा 1 घंटे में एग्जैक्टली क्या करना है। कई बार कुछ लोग इस तरह से लेकर भी परेशान है, 1 घंटे बहुत दिनों से वर्कआउट कर रहे हैं, डेली उतना हार्ड वर्क एक्सरसाइजिंग नहीं है फील्ड पे उनका रूटीन में, बट 1 घंटे बहुत बड़ा इंटेंस करते हैं, स्टिल दे
नॉट एचमस जो उनकी जरूरत है वेट को लेकर, ओबेसिटी को लेकर, वो चीज़ नहीं अटेंड कर पाते करने के बाद, जो करते नहीं उनकी बात नहीं है। सो ये क्या है? देखो, योगा एक डीप कनेक्शन है, इंटरनल कनेक्शन है, उसको अगर एंगेज होकर, उससे अलाइन होकर अगर करते हो वो चीज़ होती है। देखो, आप क्या करते हो वो इम्पॉर्टेंट है, आप एक्सरसाइज करते हो, आप डाइट लेते हो, आप ब्रीदिंग करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको कैसे करते हो, क्या समझ कर करते हो, उस समय उसके रिलेटेड आपकी सोच क्या है, उसकी इंटरनली आपकी उससे कनेक्शन, एंगेजमेंट कैसा है। जैसे कई बार होता है, आपने इसको प्रैक्टिकली नोटिस किया होगा कि आप जैसे जॉगिंग कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, तो आप कई बार वॉक करोगे तो ऐसा लगेगा लोअर बॉडी इज वॉकिंग बट अपर बॉडी जस्ट कि उसके साथ खिसक रही है, आगे की तरफ चल रही है, मन नहीं कर रहा है, बस हम चले जा रहे हैं, इस नाम को लेकर के काम करना है, मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कोई अंदर से एक फील नहीं आ रही कि करना है, बस चले जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कर तो रहे हैं लेकिन मन नहीं है, और कई बार हम दिन भर भी बोलते भी रहते हैं कि ये करने का मन नहीं है, क्या करें, करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं। सो वैसे ही कई बार कई लोगों को लोग सजेस्ट करते हैं जॉगिंग करो, बट दे जॉग इवन मेनी मोर काउंट्स, बट ज़्यादा राउंड्स और ज़्यादा किलोमीटर्स और कह सकते हैं स्टेप्स वो वॉक करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट और उसके साथ नहीं वॉक करते, तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो ये क्या एग्जैक्टली हो रहा है, इसको समझें। डाउट्स तो आपको भी आता हो कि कुछ लोग हैं कि अगर थोड़ी सी वॉक करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। इसको देखो, प्रैक्टिकली आपको मैं एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करता हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी आप वॉक कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा फुल बॉडी इज इन्वॉल्व, एंगेज है, ऐसा लग रहा है कि अपर बॉडी इज लूजिंग समथिंग, इज मतलब यूज हो रही है, यूज टू है उसके साथ। और कई बार क्या होता है, सम पर्टिकुलर बॉडी इज नॉट जस्ट अवॉइडिंग, वो सपोर्ट, वो इंटरेस्ट नहीं दे रही थी, सिर्फ मेंटली वो बड़े ऐसा लगता है कि ये जस्ट चले जा रही है, चले जा रही है। तो ये चीज़ क्या है? तो पहला इंटरेस्ट पैदा करना। तो वैसे ही हाउस वाइफ का ही है कि कई बार घर में काम तो कर रहे हैं, घर के कपड़े धुल रहे हैं, बहुत सारे अलग काम है, कुकिंग है, बहुत सारे दिन भर में बहुत सारे काम है, कर तो रहे हैं बट वो इंटरेस्ट से नहीं कर रहे, वो मन से नहीं कर रहे। सो ये ऐसा है कि बॉडी में माइंड और बॉडी का एक अलाइनमेंट होता है। अगर सपोज मुझे ये इस हाथ से कुछ काम करना है और मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है, मतलब, या फिर मैं काम कर रहा हूँ मन नहीं है, मतलब काम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करना ज़रूरी है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा हाथ काम कर रहा है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। सो मन नहीं कर रहा तो इंटरनली ये हाथ नहीं काम कर रहा है, बस एक करने के लिए किए जा रहा है। तो आपने देखा होगा कई बार काम तो कर रहा है लेकिन वो इंगेजमेंट, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं आती। तो क्या होगा कि जैसे इस एग्जांपल में देखा, जैसे ये हाथ काम कर रहा है, तो ये हाथ काम करेगा तो क्या होगा, जो भी यहाँ से जो भी लूज हो एनर्जी लगेगी, वेट क्या है, वेट क्या है, इट्स समथिंग एक्स्ट्रा एनर्जी ना, सो एनर्जी है, फैट क्या है, वो एनर्जी है, उसको अगर यूज़ कर लें या लूज कर लें, यूज़ कर लें मतलब या तो काम करते समय वो यूज़ हो जाए, जो खाते हैं एनर्जी वो लूज़ हो जाए या यूज़ हो जाए, तो ये हाथ करेगा तो यूज़ करेगा, यूज़ करेगा मतलब वो काम करने में, काम में लगेगा काम करते हुए, या फिर हम मतलब लूज करना मतलब समथिंग कुछ कर रहे हैं तो यहाँ से लूज हो रहा है, तो यहाँ से काम हो रहा है। तो अगर ये इसका इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट पूरी शरीर से नहीं है तो क्या होगा, ये सिर्फ हाथ यूज होगा, ये पतले हो जाएंगे, ये करने लगेंगे, अगर ये काम कर रहे हैं तो यहाँ से होगा पैर का काम। तो आपने देखा होगा कई लोगों की वॉकिंग कर रहे हैं, वो पैर तो स्लिम थिन होते जा रहे हैं बट अपर बॉडी नहीं लूज हो, सो वो एंगेजमेंट नहीं है पूरी शरीर का, पूरा इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, एंगेज होकर करना है। और तो योगा इज नॉट अबाउट वर्कआउट, इट्स नॉट अबाउट कि आप करो, इट्स नॉट अबाउट कि ब्रीदिंग कर लो, सांस ले, इट्स अबाउट कि इंटरनली उस चीज को कनेक्ट करते हो, इंटरनली डीप विद इन उस अंडरस्टैंडिंग। अगर काम कर रहे हो इट्स नॉट अबाउट कैसे करना है, क्या करना है, इट्स अबाउट कि ये कर रहे हो तो इंटरेस्ट के साथ। मेरा सिंपल सा कहना है, करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, बगैर इंटरेस्ट के, क्योंकि नहीं करना है तो सीधा मत करो, क्योंकि अगर नहीं करना है, देखो इसी में प्रॉब्लम्स ही है, फायदे नहीं है, अगर करना नहीं है, मन नहीं कर रहा है और कर रहे हो तो क्या होगा, आप बार बार यही करोगे कि मैं कर रहा हूँ मेरा मन नहीं है, तो इसे कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस तो आ ही रहा है, डिप्रेशन आ, फिजिकली बॉडी बस घिसे जा रही है, कर रही है, तो उससे कोई लूज भी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, पूरी इंगेज है, तो वर्कआउट तो कर रहे हो दिन भर में, दिन का रूटीन आपका हार्डवर्किंग है, एक्सरसाइजिंग है, पूरा भरा हुआ है हार्डवर्क से,
बट स्टिल वो बॉडी वेट कैरी कर रही है वो, बिकॉज वो नहीं लूज कर रही है, जो भी है वहीं डिपॉजिट हो रहा है। देखो इसको ऐसे, इसको हमको और कुछ टॉपिक्स को टारगेट करने पड़ेंगे, तो जिससे हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या है ये चीज़। फिलहाल हमने आज ये टारगेट किया, अदरवाइज हम जानेंगे कि वेट को कैसे, क्या है, कैसे लूज कर सकते हो। मेरा पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं था, मेरा पर्पज़ आज फिलहाल इतना था कि आपको समझ आए कि क्यों नहीं लूज हो रहा है। अगर ये समझ आएगा तो शायद आपको ये समझ आएगा। तो जैसे मेरा अभी अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एसेंस लेवल पे बताऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप योगा वर्कआउट कर रहे हो या 90 डिग्री कर रहे हो, अगर उसको समझ कर एंगेज करके उसको इन्वॉल्वमेंट के साथ वो वर्कआउट करोगे तो वर्कआउट करेगा, अदरवाइज आप 10 या 20 कर लो कुछ फायदा नहीं है। और कैसे, ये वो फील के साथ, इंटरेस्ट के साथ 5 करोगे इनको फायदे हैं, 10 करोगे कोई फायदे नहीं। वैसे दिन भर के काम 24 घंटे अगर योगा करना है, सिंपल है, जैसे मैं कहता हूँ हम आप जानते हैं, सिर्फ समझना है, और वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं। इट्स अब ऑल अबाउट टॉक अबाउट इज कॉमन सेंस। द कॉमन सेंस का नेम संस्कृत में योगा है और कुछ नहीं है। तो अगर इसको हम समझें तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, और हमें फिर 1 घंटे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। रहना भी पड़ेगा तो कभी कभार, तो हम 24 घंटे वही काम करें जो हमारे इंटरेस्ट का है, या फिर दूसरा है, ये ऐसा वाइस वर्सा है कि या तो करें, इंटरेस्ट है तो करें, और अगर करना ही पड़ रहा है तो इंटरेस्ट बना लें उसको, करें या तो नहीं करें, तो मतलब ऐसा है। अब हाँ, पार्शियली करोगे तो प्रॉब्लम ही है ना, कि दो चीज़, अभी एक चीज़ शरीर है, एक काम करना है, हाथ को काम करना है, वो मेंटली इन्वॉल्व होके भी करना, फिजिकली, फिजिकली इन्वॉल्व है मेंटली, तो मेंटली डैमेजेस होंगे, मेंटली है फिजिकली नहीं करेगा तो फिजिकल डैमेजेस होंगे। तो इस तरह से करो या मत करो, करो तो पूरी तरह, नहीं करो तो पूरी तरह नहीं करो, दोनों योगा है। इसको अगर हम समझ पाए तो समझ आएगा, और अगर इसको ध्यान दे तो ये सिर्फ वेट लूज का टॉपिक नहीं है, ये आप हर चीज में आपको देखोगे इसके बेनिफिट्स होंगे। तो इस तरह से हम वेट लूज को 100% बना सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे पता हैं आपको, बस इस नहीं को आप ध्यान दे दें तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इस अंडरस्टैंडिंग की मुझे आज आपसे बात करनी थी।